अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, आज है पटना में हम लोग का डे 4, आई मीन 4 दिन हो गया हम लोगों को। तो आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ का फेमस पार्क, इको पार्क भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलिए, रेडी हो जाइए आप सब देखने के लिए। और अभी बज रहा है 12, तो हम लोग 1 बजे जैसा निकल जाएंगे यहाँ से। जल्दी जल्दी रेडी वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी लोग को आप लोग देख सकते हो, सब कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। और ये देख सकते हैं इस बच्ची को, सुबह से उठ के खेले जा रही है, इतना बदमाशी करने लगी है यहाँ आके। तो गाइस, आप लोग को दिखाते हैं आगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा बकवास ना करते हैं, वीडियो को करते हैं शांत और बढ़ाते हैं आगे। क्या है बंतो, कोई तुम तुमको लगा टूट गया। तो दोस्तों, अभी बज रहा है 2 और अभी हम लोग करेंगे लंच। हम लोग को रहा है जूम का बुक, हम लोग के पेट में कूद रहा है चूहा। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, हम लोग क्या खाना खाने वाले आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइज़, लंच में आप लोग देख सकते हो माँच भात दाल भुजिया खा रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को लगा था बहुत ज़ोरों की भूख। तो गाइज, फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी इको पार्क जाने के लिए। और अभी बज रहा है 2:30, और पता नहीं हम लोग कब तक जाएंगे गाइज, वो तो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाई दूंगी, टाइम वगैरह सब बता ही दूंगी। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग इतना अठर मठर ढटर करते करते इतना टाइम लगा देते हैं। ये वीडियो मैंने दोबारा भी स्टार्ट करा था और अभी बज गया है 3 बजने वाला, आधा घंटा में क्या रखा बताइए। तो गाइज, देख सकते हैं सब टाइम आप लोगों ने देख रेख किया होगा, इससे पिछले वाली वीडियो में मोबाइल लेके पड़ी हुई रहती है। तो माही खान का रियलिटी यही है दोस्तों, अपने आंखों से अब आप लोग देख लीजिए। इतना भी कुछ खास नहीं है, मेरी बात पर अगर विश्वास ना हो, पिछले वाली वीडियो का लास्ट में जब 11 सेकेंड में, मतलब 11 मिनट में कुछ सेकेंड बाकी हो, वहाँ पर जाके देखिए और यहाँ पर देखिए। अगर विश्वास ना हो तो देख लीजिए जाके वो वाला वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये दुपट्टा लेके मैं नहीं जाने वाली हूँ, अपना ग्रीन कलर का दुपट्टा लूँगी, वो मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था ना, इसलिए मैंने ओढ़ लिया। तो चलिए दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक मिरर में। तो दोस्तों, मैं ग्रीन कलर का ड्रेस पहनी हूँ और मेहंदी भी लगाई थी, घर से ही लगा कर आई थी पटना में। तो पटना में हम लोग पता नहीं क्या क्या घटना करने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी तक नहीं निकला हुआ है, कोई निकल ही नहीं रहा है घर से, तो मैं बाहर आके वेट कर रही हूँ, मतलब सेकंड फ्लोर में आके वेट कर रही हूँ। और ये लोग जब आएगी टोटो यहाँ पे जल्दी मिलता है नहीं, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। आज बहुत हम लोग का लगता टाइम हो जाएगा, हम लोग रील्स कब बनाएंगे बताइए। तो वहाँ जाके अब मैं कैसी लग रही हूँ, मैं वही दिखाने के लिए यहाँ पे आई थी। ओह यार, ये कितनी ऑसम है यार। अल्लाह का शुक्र है गाइस, आ तो गई सब लोग। तो दोस्तों, इतना हॉर्न का आवाज़ सुन सुन के फाइनली हम लोग पहुँच ही गए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोग पहुँच गए हैं इको पार्क, उल्टा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गाइस, हम लोग घर से आए हैं। वो टिकट थोड़ा उल्टा हो गया था, तो चलो चलते दिखाते हैं पार्क आप लोगों को। तो गाइस, पार्क के अंदर आते ही सबसे पहले हम लोगों ने दिखा ये, और उसके बाद गाइस ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो हम लोग घूम भी नहीं पाए उतना ज़्यादा। इतना ज़्यादा बड़ा पार्क था कि हम लोग पूरा पार्क विजिट नहीं कर पाए। उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कल आएँगे और कल फिर से इस पार्क का वीडियो बनाएंगे, सेकेंड पार्ट। तो गाइज, सेकेंड पार्ट आप लोग देखना ना भूलें। और गाइज, ये सबसे प्यारा चीज़ पार्क है मुझे ये लगी कि यहाँ पे इतना शानदार सी ये चीज़, मतलब आप लोग देख सकते हो इतना मस्त दिख रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। और गाइज, यहाँ जो पानी का शोर था ना, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, जैसा लग रहा था कि हम लोग पहाड़ी इलाके में आए हैं और उधर से झरना गिर रहा हो, ऐसा फीलिंग हो रहा था हम लोगों को। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे में अब्बू है, अब्बू भी फ़ोटो वीडियो बना रहे थे, और ये मंतुषा दौड़ के आई। और गाइज, ये देखो वहाँ पे एक चिड़िया था जो कि वो पानी पी रहा था, मुझे भी जाने का मन कर रहा था अंदर में, कितना अच्छा लगता, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। गाइज, पानी का आवाज़ आप लोग जरूर सुनो। तो गाइस देखो ऊपर में क्या जा रहा है। गाइस, यहाँ जब से आए हैं पटना में खाली यही देखने को मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग अब उस घर के अंदर रील्स बनाने वाले हैं, इधर का तो हम लोग निपट गया, वो पानी जैसे गिर रहा है, उधर का हम लोगों का हो गया।
लेकिन हम लोग को घर से बनाना होगा। हाँ काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं दिखने में, तो वीडियो में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा, आप लोग को जानते ही होंगे। ये घर मेरा है, मैं बता देती हूँ। हाँ ये घर इसी का है। हाँ कितना में खरीदा था बताइए ज़रा, वो दाम नहीं याद है कि 99 में खरीदा था ना। 99 क्या होता है? 199 तो गाइस हम लोग यहाँ से रील शूट करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ से रील शूट करने वाले हैं, यहाँ से जो वहाँ का व्यू है ना अमेजिंग है, देखिए ऐसा लग रहा है किसी रानी का महल से वो दिख रहा हो, और वो रानी मैं हूँ, उतना भी कुछ खास नहीं लग रही हो। तो गाइस वक्त जाने का हम लोग रील बनाने का बना, 7:30 बज के हम लोगों को बोलेगा बाहर निकलिए ज़रा, आप लोग वहाँ पर रील कीजिएगा तो लोग जल्दी करना होगा। गाइज वहाँ पे रील शूट करते ही कुछ दूर चलते ही हम लोगों को ये चीज़ नज़र आया, यहाँ पे सब लोग स्केटिंग कर रहे थे शायद यहाँ पे स्कटिंग। ओ नो देख सकते हो बच्चा गिर गया दोस्तों। किसको किसको स्केटिंग करने आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस नो जरूर लिखे कि मुझे आता है मुझे नहीं आता। मुझे तो गाइज बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे ये सब डर लगता है, इसलिए मैं ये सबसे दूरी रहती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जा रहे थे तो उधर में सनाई जी ने बोला कि जल्दी आओ, उधर बहुत बड़ा सा नदी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली है, तो वो मछली हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन सा मछली है आज मैं सबका नाम भी बता दूँगी। तो गाइस चलिए चलते हैं, और उससे पहले हम लोग पानी खरीद लेते हैं क्योंकि हम लोग को लगा है बड्डी पानी प्यास, क्योंकि हम लोग कब से घूमे जा रहे इस कारण हम लोग का गला सूख के हड्डी हो गया। तो चलो पहले पानी पीते हैं, उसके बाद गाइस आगे आप लोग कुछ दिखाएंगे। ओके 3, 2, 1। सो गाइस आप लोग देखो कितना बड़ा हार्ट। दोस्तों हम लोग जा रहे थे मछली देखने के लिए, लेकिन इधर में देखा कि इतना सुंदर जगह है तो हम लोग यहाँ पे रुके रील्स बनाने के लिए, और माही बोली कि मैं यहाँ पे बैठ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँगी, पहले फ़ोटो क्लिक करते हैं फिर उधर जाएंगे। तो गाइस ऐसे करते करते हम लोग पूरा पार्क भी आप लोग को दिखा रहे हैं। एंड गाइस ये रास्ता देखो इतना ज़्यादा मस्त है ना, हम लोग समझ ही नहीं पाए थे कि किधर जाए किधर ना जाए, किधर घूमे किधर ना घूमे, किधर रील्स बनाए किधर ना बनाए, तो हम लोग पूरा कन्फ्यूज हो रहे थे गाइस। उसके बाद तो दौड़ा दौड़ी हम लोग करने लगे, आप लोग देख सकते हो। माँ ही बोली कि इधर में एक शूट करेंगे स्लोमो, तो मैंने कहा ठीक है इधर भी कर लेते हैं, उससे पहले फ़ोन पकड़ो मुझे वैसे दौड़ के आगे बढ़ना है तुम्हारे जैसा। तो वो फ़ोन पकड़ी गाइज आप लोग देख सकते हो, उसके बाद मैं भी दौड़ा दौड़ी करने लगी इधर में। इतना मस्त था ना, इतना शानदार गाइज। आप लोग जब भी विजिट करो ये पार्क ज़रूर घूमो, मैं चाहूँगी आप लोग ये पार्क भी घूमो और मज़े करो। तो गाइज देखो मुझे क्या मिल गया, फ्लावर वाइट कलर का जिसको मैंने खोस लिया अपने कानों पे। तो गाइज यहाँ का रील्स आप लोग देखना ना भूलें इंस्टा पे। तो दोस्तों भाग दौड़ करते करते हम लोग थके हो गए थे चकनाचूर, फिर भी कम नहीं हो रहा था एनर्जी गाइज। ये पार्क ही वैसे, आप लोग भी आओगे आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और कौन कौन पटना से गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और गाइज अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पानी की ओर, नदी की ओर। तो चलो चलते हैं गाइज, इधर का व्यू देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और गाइज शाम हो चुका था और गाइस ऊपर से माही का नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं। वो इस पार्क की अपने आप को रानी समझ रही थी, बट ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। तो हम लोग इधर से जा रहे हैं नदी की ओर। तो गाइस फाइनली हम लोग पूरा पार्क नहीं घूम पाए, लेकिन बोल रही है पूरा मछली देखते हैं गाइस यहां पे आ गए हम लोग, फाइनली देखते हैं यहां पे कितना मछली है। तो गाइस देखो इतना ज़्यादा मछली है, अगर आप लोग को मौका मिले ये मछली पकड़ने का तो आप लोग सारा मछली पकड़ के भून के खा जाओगे, मुझे पता है दोस्तों। इसलिए आप लोग को ये मौका मिलेगा नहीं, ये इतना पानी में इसको रहने दो। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इस कारण नदी। और यहाँ पर रेड बहुत कलर का मछली था, रेड कलर का भी था, एक येलो कलर का भी था नहीं है तो दोस्तों देख सकते हो मन तो एकदम देख रही गौर से मछली, उसको पकड़ने का दिल कर रहा था। तो मैंने कहा पकड़ के करोगी क्या, बोल रहा खाएंगे बताइए दोस्तों। तो गाइस बामी झींगा रेहू कतला बामी मछली रेहू कतला तेलापिया पंकज कितना सारा मछली भरती था, वो सब कुछ नहीं था ठीक है ना। कौन मछली था ये? दूसरा किस्म का मछली है, मछली का नाम नहीं होता है। अच्छा तो गाइस ये इको पार्क आपको कैसा लगा, अभी हम बोटिंग करेंगे या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन नहीं करेंगे तो दिखाएंगे आपको, नहीं करेंगे चलाना फसाना अच्छा नहीं लगता है, हम लोग थक जाएंगे तो हम लोग अपना जान भी नहीं है प्लेन में, बाइक टाइप पर रहता ना तो उड़ा देते आज बाइक उड़ाते मछली को नहीं। गाइस यहाँ पर काफी सारे राजा हांस और उसका घर वो रहा प्लास्टिक घेर के जो देख रहे हैं वो उन्हीं लोगों का घर है, मैंने बना के दिया आओ
देखो आप झूठी नतन। गाइस ये बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर है। आप सभी शाम के टाइम में बैठते हो ना, मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। पार्ट टू में हम लोग दिखाएंगे, बोटिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए फिलहाल गाइस हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। पता है छुपेगा ही नहीं, छुपेगा ही नहीं, ये लोग कभी भी क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस पार्क से बाहर निकलते आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधकार हो चुका था और हम लोग को होटल ही पहुँचना था। पार्क से बहुत ज़्यादा दूर था होटल, तो सभी लोग आइसक्रीम खाए थे। सिर्फ मुझे छोड़कर सनाई थी, मुझे दे रही थी, फिर मुझे मैंने कहा मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। और उसके बाद गाइस ये आपा मिली थी यहीं पे, तो माही का वीडियो देखती है, शायद फैन वगैरह है, तो माही के साथ फोटो क्लिक किया। और गाइस माही दिलदार देख सकती है, बहुत सारे बच्चे को माही ने आइसक्रीम दिलाया, तो माही के लिए एक लाइक गाइस बनता है। वो जितनी दिखती है उतनी है नहीं। यही तो बोल कर देता है।